वेलकम टू ऑनलाइन क्लास क्लास 9 इंग्लिश में वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस। इसके बारे में दो बुकों का अध्ययन किया जा चुका है। नेक्स्ट तीसरी बुक आती है वर्ड एंड एक्सप्रेशंस, उसके यूनिट 7 का अध्ययन करेंगे। सी वर्कबुक पेज नंबर 96। वर्कबुक पेज जो है आप बच्चों निकालिए, उसका 96 पेज नंबर निकालिए। उसमें टू बी डिस्कस्ड इन पेयर एट क्लास लेवल, उसमें जो डिस्कशन है क्लास लेवल के बारे में जो भी दिया है आप उसको अच्छे से रीड करेंगे, पढ़ेंगे। अगला आता है क्वेश्चन, फाइंड वर्ड्स इन द पैसेज दैट मीन द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। अपोजिट का अर्थ होता है विरोधी। राइट द वर्ड्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। आपको जो पैसेज में दिए गए हैं बुक में, उसमें से जो विरोधी शब्द हैं, विरोधी शब्दों को लिखना है, ठीक। और पहला आता है आई एम ए डबल पी आर ओ पी आर आई ए टी ई इन अप्रोप्रिएट का अर्थ होता है अनुपयोग, ठीक है। आई एन ए पी पी आर ओ पी आर आई ए टी ई अनुपयुक्त का विरोधी होता है अप्रोप्रिएट, इसका अर्थ होता है उपयुक्त, तो इसका विरोधी हुआ। सेकेंड आता है एस एल आई जी एच टी एल वाई स्लाइटली, यानी होता है थोड़ा, तो इसका अपोजिट होगा ओवरली यानी ज्यादा। नेक्स्ट वर्ड एफ ओ आर जी ई टी यानी फॉरगेट, यानी तो भूलना, रिमेम्बर यानी याद रखना, ये इसका अपोजिट। नेक्स्ट सी ओ एन सी एल ई ए एल ई डी कॉम्प्लीट मीन्स होता है गुप्त, क्लीन मतलब खुला साफ, का अपोजिट होगा। नेक्स्ट अरेंज्ड ए डबल आर ए एन जी ई डी अरेंज्ड का अर्थ होता है व्यवस्थित, तो इसका अपोजिट होगा डिसअरेंज्ड, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, रीड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, इस ग्रुप के शब्दों को पढ़ें, ऑल बट वन आर सिनोनिम्स, सर्किल द ऑड वन, इसका अर्थ होता है समानार्थी यानी समान अर्थ वाले शब्द। आपको द ऑड वन, ऑड मतलब जो अजीब सा है, समानार्थी से बिल्कुल हटके शब्द है, उसमें सर्किल करना है, ठीक है। तो पहला शब्द आता है आर यू डबल ए एम ए जी आई एन जी रिमेंजिंग, रिमेंजिंग का अर्थ होता है तलाशी, तो तलाशी का जो वर्ड है बिल्कुल हटके है, इसके बारे में आपको लिखना है, तो इसका सही उत्तर है डी आर आई बी आई, क्योंकि ड्राइविंग का अर्थ होता है चलान, ठीक, ओके। तो तलाशी में आया ग्रुपिंग, जबलिंग और सर्चिंग, अलग वर्ड रहेगा ड्राइविंग। S-H-E-D, squashed, इसका अर्थ होता है कुचलना। इसका जो है समानार्थी जो है वो बहुत सारे हैं, इसमें स्क्वीज है और कॉम्पैक्टेड है, कंप्रेस्ड है, एक शब्द है अनपैक्ड, तो अनपैक्ड इसका सही उत्तर यू एन पी ए सी के ई डी। सी आता है ऑर्गेनाइज ओ आर जी ए एन आई एस ई, ऑर्गेनाइज का अर्थ होता है आयोजन करना किसी भी चीज का, तो आयोजन के लिए आ जाएगा जो है क्लासिफाई करना और सिंप्लीफाई करना, सिस्टमैटिक उसको जमाना, लेकिन अरेंज, अरेंज का मतलब क्रमानुसार, तो अरेंज जो है एक और जो है और शब्द है, उसका सही उत्तर है अरेंज ए आर आर ए एन जी। नेक्स्ट डी रविश आर यू डबल बी आई एस एच, ठीक, तो रविश का जो सही उत्तर है वो अर्थ होता है अति उत्साहित, तो रविश का अर्थ होता है
सारे। तो इसमें बहुत सारे जैसे नॉनसेंस है और जंग है, वेस्ट है, ये सारे इसके जो है समानार्थी शब्द है। लेकिन एक जो जो है ऑड वर्ड है ये पी ओ एल आई एस एच पॉलिश, मतलब क्या है पॉलिश का मतलब उसको निखारना, तो ये इसमें बिल्कुल मैच नहीं है। ठीक है, तो आप वर्क बुक पेज नंबर 99 पे भी देख सकते हैं जो है एक्सरसाइज को। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने आपको जो भी पढ़ाई कराया उसका जो है आपको अच्छे से लिखना है, वर्डों पे ध्यान देना है, स्पेलिंग पे भी ध्यान दें और अच्छे से रीड करें, याद करें। थैंक यू सो मच।